मैं शॉक हो गया था जब मुझको पता चला कि इंडिया की फर्स्ट मूवी राजा हरिश्चंद्र जिस कैमरे से शूट हुई है वो कैमरा अभी तक नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा में है। इसलिए 75 रुपीज का टिकट लेकर ग्रैंड रोड स्टेशन से मैं आ जाता हूँ गुलशन महल। गेट से अंदर आते ही मेरे होश उड़ जाते हैं क्योंकि जितना मैंने सोचा था उससे काफी ज्यादा यहाँ पर देखने को है। सबसे पहले कुछ इक्विपमेंट्स ऐसे रखे गए हैं जिससे हमको इजिली समझ में आ जाए कि मोशन और फ्रेम्स कैसे काम करते हैं। यहाँ पर काफी पुराने कैमरेज और उनके इक्विपमेंट्स रखे गए हैं, जैसे कि ये ट्राइपॉड जो पहले लकड़ी के हुआ करते थे और आजकल फाइबर और प्लास्टिक के आते हैं। मतलब अगर आपको थोड़ी सी भी समझ कैमरास, फिल्म मेकिंग या इंडियन सिनेमा के बारे में तो ये जगह आपको काफी ज्यादा एक्साइट कर देगी। तो नेशनल म्यूजियम की दो बिल्डिंग्स हैं, एक ओल्ड गुलशन महल और दूसरी न्यू बिल्डिंग। अगर स्टैचू की बात करें तो सत्यजीत रे और महात्मा गांधी के स्टैचू काफी हद तक रियलिस्टिक लग रहे थे। इवन यहाँ पर किड्स मूवी मेकिंग का भी डेडिकेटेड फ्लोर है जहाँ पर आपको काफी ज्यादा एक्टिविटीज करने को मिलेंगी। यहाँ पर इजिली आप 2 से 3 घंटे स्पेंड कर सकते हो जिसकी टाइमिंग और लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ में ही आपको ये भी पता चलेगा कि कैसे ल्यूमियर ब्रदर्स ने मॉडर्न सिनेमाटोग्राफी इन्वेंट की उनके स्टैचू के साथ।